बिना पैसे का बिजनेस कैसे चालू किया जाता है, ये आप जानना चाहते हैं। तभी तो आपने ये वीडियो क्लिक किया है ना। बहुत से लोग जानना चाहते हैं। जितने लोगों को भी आप कहेंगे कि बिना पैसे के भी बिजनेस किया जाना जा सकता है, तो वो लोग बिल्कुल इंटरेस्टेड हो जाएंगे। लेकिन क्या सीरियसली इंटरेस्टेड होंगे? बिकॉज ये वीडियोज़ जो मैं बना रहा हूँ, ये काफ़ी दिनों से बना रहा हूँ, इसमें बहुत से बिजनेस की चीज़ें मैंने बता रखी है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग ट्राई नहीं करते। जब आप ट्राई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जो आप चाहते हैं वो केवल ऊपर ऊपर की ऐसी सुपरफिशियल एक तरह की लाइकिंग है। जैसे हम दुकान में जाते समय किसी कपड़े को देखते हैं और कपड़ा हमको पसंद आ जाता है, लेकिन हम बहुत मन से उसको चाहते नहीं हैं। इसलिए बिजनेस हम सब चाहते नहीं हैं। हम सब चाहते हैं बिजनेस से आने वाला नाम, उससे मिलने वाला ताकत, उससे मिलने वाली शोहरत। लेकिन सचमुच में हम बिजनेस नहीं चाहते, बिकॉज बिजनेस में जो नाम, शोहरत, पैसा है, उसके साथ साथ आता है झंझट, काम और बहुत बदनामी। बिकॉज अगर बिजनेस में आप फेल हो गए तो बदनामी बहुत ज़्यादा होती है, सबके सब आपको ब्लेम करते हैं। तो क्या सचमुच में पॉसिबल है बिना पैसे का बिजनेस करना, स्टार्ट करना? चलिए पहला पॉइंट लेते हैं कि बिना पैसे का बिजनेस कैसे चालू होता है। तो सबसे पहले हम लोग पैसा ही लेते हैं कि किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए हमको कैश चाहिए होता है, थोड़ा तो चाहिए होता है। अब तो भाई संदीप महेश्वरी भी बोलते हैं ना कि आपको शुरू में 2-4-5 हज़ार रुपये आप घर से ले लीजिए, यहाँ वहाँ से ले लीजिए, तो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है। लेकिन वो जो पैसा हम किसी से लेते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो सीड मनी होती है, जो घर में अपने माँ बाप से ले लेते हैं या कहीं से बचाया हुआ पैसा जो हम इन्वेस्ट करते हैं, उसकी कितनी कीमत होती है? थोड़ा सा आप अपने आप से पूछिए। बिकॉज मैं जो आज की जनरेशन के साथ देखता हूँ, वो अपने पैसे की बहुत कीमत करते नहीं हैं, पैसे से ज़्यादा किसी और चीज़ की कीमत करते हैं। मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कोई ऐसी चीज़ है जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से उनको बहुत नाम मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ लाइक्स की और कमेंट्स की। आजकल के जो जनरेशन की बच्चे हैं, और हमारे भी टाइम ऐसे ही रहा था, किसी और चीज़ को लेकर के इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट्स डालते हैं, अगर उस पोस्ट पे, किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट पे उनको 1,000 लाइक मिल जाता है, या उनके पास 5,000 या 10,000 या 15,000 या इवन 1 मिलियन फॉलोअर मान लीजिए हो जाते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किल है अपने आप में, बहुत ही मुश्किल है, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है उनके लिए, बजाय आपका पापा आपसे लिया हुआ 1,000-2,000 या कहीं जॉब पे कमाया हुआ 2-4-500-2-3 हज़ार रुपये जो कमाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूबल है उनके लिए इंस्टाग्राम पे 10,000, 20,000 या 1 मिलियन लाइक्स या फॉलोअर्स। ये बिल्कुल नहीं पता कि उस फॉलोअर्स का हम करेंगे क्या, उससे कैश कितना निकलेगा, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं कैश की बात क्यों कर रहा हूँ? ये कैश हमारे पास जब नहीं होता, तो जो हमारे पास है हम उसको कैश की तरह देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बिजनेस नहीं चालू करने के लिए, मतलब जो आम तौर पे हम लोग कहते हैं हम लोग बिजनेस नहीं चालू कर सकते, वो इसलिए बिकॉज हम अपने टाइम को कैश के बराबर नहीं मानते। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने टाइम को कैश के बराबर समझिए। मेरे हिसाब से, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जिस पे आप कुछ कर रहे हैं, जिस पे आपका माइंड एंगेज्ड है और आपको लग रहा है कि आप बोर नहीं हो रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, जिसको आजकल की दुनिया में कहा जाता है सोशल मीडिया सैवी, या तो बहुत आप सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हो चुके रहे हैं, ये सब करते करते उसकी वैल्यू ज़ीरो है। ज़ीरो नहीं तो कम से कम मैं इसके बराबर बोल सकता हूँ। अभी रिसेंटली एक बच्चा मुझसे बोलता है कि सर मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो मुझे बता रहा था कि सर आपको पता है मेरे इंस्टाग्राम पे 22,500 फॉलोअर्स हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा उस इंस्टाग्राम से तुम्हें पैसे कितने आते हैं? मतलब सर वो अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो मैंने उसको बोला बेटा अगर तुम ये कर सको कि तुम इस महीने 500 रुपये कमा करके चाहे इंस्टाग्राम से, चाहे कहीं और से, चाहे किसी बिजनेस से ला सको, तब मेरे लिए उस चीज़ की कीमत काफ़ी होगी। तो बोलता है सर क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। अगर तुम एक महीने में किसी भी सामान को बेच करके, किसी भी सर्विस को करके, जो कि अपने खुद ही किया हो, बिकॉज ये स्टार्टअप है तो तुम्हें खुद करना होगा, उसको बेच करके करके अगर तुम 100, 200, 500, 1,000 रुपये भी कमाते हो, तो उसकी वैल्यू आपके इंस्टाग्राम के 22,500 लाइक्स या फॉलोअर से ज़्यादा है। वो इसलिए बिकॉज अभी भी तुम्हें क्लियर नहीं है कि ये जो तुम एक्टिविटी कर रहे हो, फेसबुक पर कर रहे हो, व्हाट्सएप पर कर रहे हो या लिंक्डइन पर कर रहे हो, खैर लिंक्डइन पे तो बहुत लोग जाते ही नहीं, बिकॉज वहाँ पर इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, आपको मज़ा नहीं आता, टाइम पास नहीं आता, बिकॉज उसमें तो खाली जॉब के लिए इंटरव्यू और बॉसेस मिलते हैं आपको, और कोई नहीं मिलता। तो आपके लाइक्स के बराबर या की वैल्यू होनी चाहिए आपके पैसे की। आमतौर पर जो हम पैसा लगाने की बात करते हैं ना, वो असल में पैसा नहीं होता, वो होता है टाइम।
तो आपको देखना होगा क्या आपका टाइम आप एक इन्वेस्टर की तरह देखते हैं कि नहीं देखते हैं। जब आपको पैसे मिलेंगे आपके लिए आपके टाइम के लिए तो तब तब की बात है, लेकिन क्या अभी आप अपने टाइम को एज मनी देखते हैं, मतलब बहुत वैल्यूबल देखते हैं? अभी देखिए, आज देखिए, आज सुबह से लेकर शाम तक आप कौन सी ऐसी एक्टिविटी करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी नेटवर्थ बढ़ने वाली है, जिसके लिए आपको कोई आदमी बहुत ज़्यादा कीमत करने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेगा और आपको इनवाइट करेगा अपने वेंचर से, अपने काम में। तो सबसे पहला पॉइंट है, कैश अगर नहीं है तो आपको अपने टाइम को कैश से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानना होगा। ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि खाली आपको मैं हवाई बातें कर रहा हूँ कि अपने टाइम की वैल्यू करिए। जो भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हुए हैं या बड़े बड़े इन्वेंटर्स हुए हैं जिन्होंने खोज की है, चाहे इलॉन मस्क हैं, चाहे जकरबर्ग हैं, चाहे टेस्ला हैं, जो लोग भी हैं, शुरू में जब उनके पास पैसा नहीं था तो जो उनके पास था वो था टाइम। जब इलॉन मस्क ने पेपैल बनाई थी तो वो पैसे से नहीं बनाई थी, वो अपने टाइम से बनाया था। आपके पास जो भी नॉलेज है वो कम नहीं है, कुछ ना कुछ तो आप क्रिएट कर ही सकते हैं, कुछ ना कुछ तो सर्विस आप दे ही सकते हैं। लेकिन हम सब यूजुअली इस तरह से सोचते नहीं है कि हमारे पास कुछ है और इसीलिए हम कुछ क्रिएट नहीं करते हैं। इररिस्पेक्टिव कि आपके पास कितना पैसा है, आप पैसे को लॉक करके रख दीजिए। आप सोचिए आपके पास पैसा नहीं है, जीरो पैसा है, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तब भी आप लॉक करके रख दीजिए। आप केवल ये देखिए कि मेरे पास 24 घंटे हैं और एक दिन का टाइम मेरा 1 लाख के बराबर है, और आज सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीज़ मैं क्रिएट करूंगा, जो भी चीज़ मैं करूंगा, काम करूंगा जिसके लिए कोई आदमी मुझे वैल्यू करेगा, कोई आदमी मेरे को पे करेगा, तो वही मेरा कैश है। यही चीज़ कर करके थॉमस एल्वा एडिसन, निकोल टेस्ला, जिम कॉलिंस या जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं उन्होंने शुरुआत की थी। आप भी शुरुआत में क्या कर रहे हैं, अपने फ्री टाइम में क्या कर रहे हैं? क्या खाली अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, अपने लाइक्स इकट्ठे कर रहे हैं? तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप खाली इंस्टाग्राम कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। खैर, लेकिन अगर आप इस चीज़ को समझ सकें कि आपके 22,500 लाइक्स इज इक्वल टू 200, मेरे लिए 200 रुपये के बराबर है 22,500 लाइक्स, क्योंकि उसका कोई वैल्यू नहीं है। 200 रुपये हमारे लिए जीरो वैल्यू है। ऐसे मेरे लिए 22,500 लाइक्स भले आप चाहें किसी को इम्प्रेस करने के लिए बता दें, बट उसकी कोई जीरो वैल्यू है। बट अगर वहीं पर अगर आपने अपनी मेहनत से 100, 200, 500, 1,000 रुपये कमाया, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। बिकॉज अगर आप 500 रुपये कमा सकते हैं एक दिन में, तो आप 5 करोड़ रुपये भी कमा सकते हैं। मैं कमाने की बात कर रहा हूँ, मतलब अपने खुद के वेंचर से प्रोड्यूस करने की बात कर रहा हूँ। कुछ भी करके आपको पहला 100 रुपये, पहला 500 रुपये, पहला 1,000 रुपये, उसके बाद पहला 10,000 रुपये, और उसके बाद फिर पहला 50,000 रुपये अपने काम से प्रोड्यूस करना है। उसके बाद बड़े बड़े बात करेंगे, बड़े बड़े सपने देखेंगे, और ये सब बिना पैसे के, जीरो पैसे से। समझ में आ रहा आपको? दूसरा, हम सबको लगता है कि हमारे पास टीम होनी चाहिए, और टीम ऑब्वियसली बड़े मुश्किल से मिलती है, पैसा खर्च करने से मिलती है। जब भी आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखते हैं, अमेज़ॉन है, गूगल है, एप्पल है, ये सब टीम से, आज इनके पास हज़ारों लोगों की टीम है, और जो बेस्ट टैलेंट होता है दुनिया में वो इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन स्टीव जॉब्स जब इंडिया से गए थे वापस, अपने स्पिरिचुअल ट्रिप से वापस गए थे, तो उनके पास क्या था, कौन था? कोई नहीं था, उनके पास खाली एक दोस्त था। उस दोस्त का नाम था स्टीव वॉजनिक। वो पहला बंदा था जिसने एप्पल का लैपटॉप बनाना शुरू किया था। दो दोस्त थे। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा दोस्त ना हो जो कि आपके लिए कोई लैपटॉप बना सके, कोई कंप्यूटर बना सके, लेकिन आपके पास कुछ तो है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ आपके लिए हेल्प कर सकती है आपके काम में। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो हो सकता है आपकी माँ, आपके डैडी किसी न किसी तरह से आपको हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग इसकी भी बहुत कम वैल्यू करते हैं। मेरे घर में डॉक्टर रिम्पी और मैं, हम दोनों लोग हैं, और यही हमारे बिजनेस पार्टनर्स भी हैं, बिल्कुल। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपको आपकी लाइफ पार्टनर आपके वेंचर्स में हेल्प करती है, तो यही दुनिया के सबसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की शुरुआत है। बिल गेट्स की जो लाइफ पार्टनर हैं, या जेफ बेजोस की जो लाइफ पार्टनर हैं, उनको कितना सपोर्ट करती होंगी। उनके ठीक है, उनकी एम्पायर बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन उसको हेल्प तो कर रही है। इसी तरह से अगर आपके पास टीम नहीं है, तो आप देखिए आसपास में कौन से लोग हैं जो आपके साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, और उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाना शुरू करिए। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें कि आप उनका टाइम वेस्ट ना करें और आपकी वजह से उनके लाइफ में वैल्यू क्रिएट हो।
अगर आपकी वजह से किसी और की लाइफ में वैल्यू क्रिएट होगी तो वो भी आपको हेल्प करेगा, आपको भी वैल्यू क्रिएट करेगा लाइफ में, आपको भी हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। टीम ऐसे ही बनती है। स्टीव जॉब्स को बिल्कुल कंप्यूटर्स नहीं आता था, उनको कोडिंग नहीं आती थी। स्टीव वॉजनिक को बिल्कुल बिजनेस नहीं आता था, लेकिन उनको कोडिंग आती थी, उनको कंप्यूटर्स आता था। तो एक तरफ वो कंप्यूटर बनाते थे और यहाँ पर ये कंप्यूटर्स को बेचना आता था, इनको बिजनेस आता था। और आपको पता है, मैं देख रहा था स्टीव वॉजनिक का जो नेटवर्थ आज है दैट इज़ ऑलमोस्ट $100 मिलियन, लेकिन वहीं पर स्टीव जॉब्स का नेटवर्थ कितना था उनके जाने से पहले? ऑलमोस्ट $10 बिलियन था। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, ऑलमोस्ट 10 गुना ज़्यादा, स्टीव वॉजनिक से 10 गुना ज़्यादा वैल्यू स्टीव जॉब्स की थी। तो सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट टीम मेंबर आपका कौन होगा? आपका खुद का माइंड। अगर आप अपने माइंड को अपनी किताबों के ज़रिए या जो इस तरह के कोर्सेज हम लोग बता रहे थे, आज मैं किसी को बता रहा था कि अगर आपने नहीं हमारे साथ जुड़ सकते WBX करिए, WBX इज़ गोइंग टू बी द कोर ऑफ द बिजनेस कोर्सेज। जितने भी इंडिया में या कहीं अब्रॉड में कोई कोर्सेज हो रहे हैं उन सब का देखिएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट कोर मानी जाएगी बिजनेसेस की। तो ये बेसिकली आप जब सीखते हैं तो ये आपके माइंड का पार्ट हो जाता है। तो आपका सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर होगा आपका अपना माइंड, लेकिन वो माइंड जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं। ऐसे वेला माइंड जो खाली इंस्टाग्राम कर रहा है, व्हाट्सएप कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, ऐसा माइंड बहुत वैल्यूबल नहीं होता, ऐसा माइंड आपके लिए बहुत हेल्पफुल नहीं होगा। इनफैक्ट डिप्रेशन में डालेगा आपको, आपको लगेगा मैं कैसे करूँ कैसे करूँ, वही पुराने थॉट्स चलते रहेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आपके माइंड में वो थॉट्स आना शुरू हो जाएं जो एक्चुअली दुनिया के सबसे बड़े बड़े और बेस्ट बिजनेस वेंचरिस्ट ने किया है, तो आप भी अपने बेस्ट बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं। और आपकी वजह से आपके आसपास बहुत से लोग इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे और फिर आपको टीम के बारे में बहुत चिंता नहीं करना पड़ेगा, बेस्ट लोग आपके पास आएंगे काम करने के लिए। बहुत से लोग बिजनेस चालू करने के लिए इन्वेस्टमेंट खोजते हैं और बहुत से लोग लोन लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ साफ साफ बता दूँ, ना लोन लेना है ना इन्वेस्टमेंट लेना है, ये दोनों ही चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, क्यों कहा जाता है गराज में बिजनेस चालू किया जाएगा? बिकॉज गराज का ओवरहेड्स बहुत कम है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आपके पास जो भी आसपास में फ्री और पावरफुल रिसोर्सेज हैं उसको सर्च करिए। देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर मिल जाता है तो नथिंग लाइक इट, लेकिन इन्वेस्टर होता कौन है? इन्वेस्टर वो बंदा होता है जो आपके आइडिया पर, जिसको बिलीफ हो, जिसको लगता है कि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, और वो आपको पैसा देता है ये सोचकर नहीं कि वो पैसा वापस मिलेगा। एक बार मैं एक बिजनेस मीट में था तो वहाँ पर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर आए थे, तो किसी बंदे से वो बातचीत कर रहे थे, तो उसको बता रहे थे कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उन्होंने किसी बंदे को फ़ोन किया कि तुम मेरा काम करो। तो उस बंदे ने कहा कि ये सॉफ्टवेयर मैंने पहले कभी बनाया नहीं है, इसलिए मैं बना नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं आपसे। तो बोलते हैं अगर तुमने ये काम ले लिया होता तो तुम्हारा जो जो भी तुमने मतलब 50,000 रुपया 1,00,000 रुपये जो भी उसका फीस वो चार्ज कर रहा था वो तुमको मिल गया होता। मुझे पता था कि ये जो सॉफ्टवेयर है बहुत मुश्किल है बनाना, लेकिन मैं रेडी था इस 50,000 का रिस्क लेने के लिए, मैं रेडी था, तुम रेडी नहीं थे। तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ये नहीं होता लोन कि आप किसी से पैसा ले रहे हैं और आपको उसको वापस करना ही करना। इन्वेस्टमेंट मतलब जब प्रॉफिट होगा तो दोनों कमाएंगे, जब लॉस होगा तो दोनों का लॉस होगा। इन्वेस्टमेंट मिले नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर लोन लेकर के आप अपना बिजनेस खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उससे 100 बार बचिएगा, बिकॉज लोन मतलब आपके सर पे टेंशन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप देखेंगे जैसे जैसे आप खैर बहुत से आप लोग जो बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं आप देखते होंगे कि अपने आप में लोन बहुत प्रॉफिटेबल चीज़ नहीं होती है, बिकॉज उसकी वजह से आपको टाइम लाइन में फंसना पड़ता है, आपको हर महीने आपको EMI कर देना है, तो उसमें बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ आ जाते हैं, तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। बहुत से बड़े बड़े इन्वेंटर्स जिन्होंने खोज की है बड़ी बड़ी चीज़ों की, वो लोन के चक्कर में डिप्रेशन में आ गए। मैं अभी रिसेंटली देख रहा था जो टेलीविज़न का जो खोज हुआ था उसमें एक बंदा था जिसका नाम था फार्न्सवर्थ, बच्चा ही था 14-15 साल की उम्र में उसने टेलीविज़न का आइडिया अपने दिमाग में ग्रैस्प किया, और उसके बाद उसको इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट भी मिल गया था, बट उसके उस सर पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया पैसे का कि वो उसको हारना पड़ा। इनफैक्ट टेलीविज़न की खोज करने के बावजूद भी उसको प्रॉफिट नहीं मिल सका, वो सारा का सारा श्रेय जाता है मिस्टर सनरॉफ को।
ये भी बहुत बड़े इंडस्ट्री के इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बाद में इन्होंने टेलीविज़न के पहले रेडियो की जो कंपनी थी उसके ये माने जाते हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सप्लाई और सारे पेटेंट इन्हीं के पास थे। इनकी अपनी खुद की बहुत बड़ी कंपनी थी। बट ये जो प्रेशर की वजह से हमारे सर पे पैसे की वजह से लोन की वजह से हमारे सर पे जो प्रेशर आता है ना वो हमको सोचने नहीं देता, वो इनोवेट नहीं करने देता। इसलिए जो भी करिए आप अपने सर पे एक्स्ट्रा प्रेशर मत डालिए, लोन का प्रेशर मत डालिए। कीप योर सेल्फ फ्री। भले आपको जॉब करना पड़े, आप जाइए दिन में जॉब करके आइए, शाम को अपने आइडिया पर कुछ कुछ काम करते रहिए, बट डोंट टेक लोन, ओनली गो फॉर इन्वेस्टर्स। और अपने आप को बताइए कि मेरे पास जो शाम का टाइम है ना, हर रोज़ रात का जो टाइम है वो 1,00,000 रुपए के बराबर है। जो भी करता हूँ मैं उस 1,00,000 को वेस्ट नहीं करूँ। अगर मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मैं फेसबुक कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब के फालतू चीज़ें देख रहा हूँ, या मैं इंस्टाग्राम पे टाइम पास कर रहा हूँ, तो मैं अपने 1,00,000 रुपए एक दिन के बर्बाद कर रहा हूँ। जब इस तरह से आप सोचना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप कुछ क्रिएट करना शुरू करेंगे, अदरवाइज इट विल गेट ऑल वेस्टेड। आप में से बहुत से लोग इसलिए भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे बिकॉज आप अच्छा खासा कमाते हैं और बहुत जल्दी ही कमाते ही आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। अच्छी लाइफस्टाइल मतलब एक डिसेंट कार, और जब डिसेंट कार मतलब वही 7-8 लाख की कार, एक प्रॉपर घर फ्लैट वगैरह चाहिए आपको, और भाई अच्छे कपड़े और अच्छा मोबाइल और ये सब चीज़ें तो चाहिए ही। तो शुरुआत में आपको हो सकता है ना मिले, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक वाले आपको बहुत खुशी खुशी लोन दे देंगे। तो एक साइकिल होता है, इसको लोन साइकिल बोला जाता है। और पुराने ज़माने में तो जैसे ज़मींदार होते थे तो किसान को बही खाते में उनसे ज़मीन लिखवा लेते थे और पूरी ज़िंदगी उनसे काम कराते थे, इसीलिए उनको ज़मींदार कहा जाता था कि वो ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, बाकी लोग उनके नौकर हुआ करते थे। आज की डेट में जो ज़मींदार हैं वो हैं बैंक वाले, जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं वो ज़मींदार हैं, और जो उनको ज़िंदगी भर लोन भरते रहेंगे, इसको मैं लोन साइकिल बोलता हूँ, कभी पूरा नहीं होता। आप एक छोटा लोन भरिए तो फिर बड़ा लोन, फिर दूसरा लोन, फिर चौथा लोन, ऐसे बढ़ता जाता है। वो कभी आप निकल ही नहीं पाएंगे। क्यों? बिकॉज आपको लालच है, एक पहला कार, पहला घर, पहला फॉरेन ट्रिप और इस तरह के ढेर सारे पहले पहले करने का। तो आप एक छोटा सा लोन लेंगे, फिर बड़ा लोन लेंगे, फिर लोन भरते रहेंगे, तो आपको कभी भी एक फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो इस लोन में से निकलना होगा। अगर आप चाहते हैं हाईवे पर आना, हाईवे मतलब जहाँ पर बड़े बड़े लोग खेल रहे हैं, जहाँ पर बड़े बड़े लोग बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर इनोवेटर्स हैं, इन एंटरप्रेनर्स हैं, ये लोग वो लोग नहीं हैं जो लोग अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, जो ढेर सारा पैसा शो ऑफ करना चाहते हैं ना। एक रिसर्च के हिसाब से दुनिया में, खासतौर से अमेरिका में रिसर्च हुआ था, ज़्यादातर जो मिलियनेयर्स हैं, मतलब मैं बिलियनेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम मिलियनेयर्स हैं, वो जो पहली कार खरीदते हैं वो सेकेंड हैंड होती है। ताज्जुब मानेंगे आप, जी हाँ, चाहे वो रोल्स रॉयस लें, चाहे मर्सिडीज़ लें, चाहे फोर्ड लें, उनकी फर्स्ट कार सेकेंड हैंड होती है। क्यों? बिकॉज सेकेंड हैंड कार नई कार से काफ़ी सस्ती मिल जाती है। ठीक है, आप में से बहुत से लोग बोलेंगे सेकेंड हैंड कार का भाई उसमें मेंटेनेंस बहुत जाएगा, उसकी सर्विस कॉस्ट और ये कॉस्ट और वो कॉस्ट, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ एक फार्मासिस्ट है जो मुझे लगता है अगले 10 साल में करोड़पति बन जाएगा, वो जॉब भी करता है और साथ ही साथ उसने सेकेंड हैंड कार लेकर के टैक्सी स्टैंड पर एज अ सेकेंड इनकम सोर्स रख रखा है, जिसमें कि एक ड्राइवर है और वो टैक्सी चलती है, तो हर महीने उसको 15-20 हज़ार रुपये उसके आते हैं, और साथ ही साथ उसको जो अपनी सैलरी आती है 15-20 हज़ार रुपये, तो उसके पास दो इनकम है। आपको याद है ना रॉबर्ट कियोसाकी क्या बोलते हैं, आप एसेट बढ़ा रहे हैं कि इनकम बढ़ा रहे हैं, एसेट बढ़ा रहे हैं कि लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं। एसेट मतलब वो जो आपको हर महीने आपकी जेब में पैसा डाले, और लाइबिलिटी मतलब वो जो हर महीने आपकी जेब से पैसा ले जाए। तो जब आप बैंक से लोन लेकर के अपनी पहली कार या अपना पहला घर लेते हैं तो आप असल में कुछ कोई वैल्यू नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप केवल एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं जो कि आपके जेब में से हर महीने पैसा लेके जाएगा। लेकिन वहीं पर ये बंदा जो सिंपल सा फार्मासिस्ट है, मतलब वो नौकरी करता है 10-15 हज़ार की नौकरी करता है, वो बिजनेसमैन की तरह सोच रहा है। तो ये तभी हो सकता है जब आप इस लोन के साइकिल से बाहर निकलें। लोन से दम दूर रहिएगा बिकॉज ये बहुत मुश्किल खेल है। जब तक आपको खेलना नहीं आता, ये ऐसे ही है जैसे आप जंगल में शेर के सामने उसका शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं। एक माहिर शिकारी तो उसको खेलेगा, जेफ बेजोस जैसा आदमी तो ठीक है, वो लोन के साथ खेल भी लेगा और बैंक को अपने हिसाब से गोल गोल घुमा भी लेगा, वो तो सर्कस का रिंग मास्टर है। लेकिन हम और आप जब शेर के सामने खड़े होते हैं तो शेर हमको खा जाएगा।
तो लोन से केवल जो बैंकर्स हैं उन्हीं को फ़ायदा होता है, आम आदमी को फ़ायदा नहीं होता। आम आदमी ज़िंदगी भर के लिए उन ज़मींदारों से जो बैंकर्स होते हैं उनसे फंस करके ज़िंदगी भर उनको पैसा भरते रहते हैं। इसलिए तो बैंक वाले हर महीने आपको फ़ोन करते होंगे। अगर आपके पास अच्छी सैलरी है, 50-60 हज़ार रुपये की सैलरी है, तो हर महीने बैंक बोलेगा कि साहब लोन ले लीजिए, आपको ये हाउस लोन मिल जाएगा, ये लोन मिल जाएगा, वो लोन मिल जाएगा। क्यों? बिकॉज आपको अपनी ज़मींदारी में फंसना चाहते हैं। अगर आप अपना बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं तो किसी भी लोन साइकिल में फंसना नहीं है, ये थंब रूल बना लीजिए। बहुत नई बात नहीं है, आपको प्रॉब्लम चाहिए सॉल्व करने के लिए, तभी आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है। आमतौर पे हमको प्रॉब्लम दिखती नहीं बिकॉज हम देखते नहीं हैं, बट तमाम प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। घर पर देखने की कोशिश करिए, अपने घर पर आप देखेंगे, संदीप महेश्वरी जी ने पूरा एक लिस्ट बना दिया है कि भाई आपके घर में कोई साफ सफाई करने वाला आता है, जो पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं तो वो भी ठीक से बिहेव नहीं करते, तो आप अपनी पेस्ट कंट्रोल की कंपनी बना सकते हैं। इस तरह से ढेर सारे प्रॉब्लम्स के जिक्र करते हैं, बट अगर आपको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो जेन्युइन ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सर्च करिए और देखिए कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू करिए, और टेक्नोलॉजी का जब मैं कहता हूँ यूज़ करना शुरू करिए, तो केवल मोबाइल में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और फेसबुक चलाना कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। आपको एक्चुअली यूज़ करना होगा टेक्नोलॉजी को एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। आज की डेट में अमेज़ॉन ने वॉलमार्ट को कैसे हराया, उसने इसका यूज़ किया, उसने इंटरनेट का ऐसा यूज़ किया कि आज घर घर में, मतलब मैं लखीमपुर में रहता हूँ और एक यूएस की कंपनी मेरे को लखीमपुर में किताब भेज रही है, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ है। वहीं वॉलमार्ट है, लखनऊ में वॉलमार्ट है, लेकिन वॉलमार्ट से मैं जाकर के किताबें नहीं ले सकता, सामान नहीं ले सकता, बिकॉज लखीमपुर से हमारा जो लखनऊ है काफ़ी दूर है, 150 किलोमीटर दूर है। तो टेक्नोलॉजी को समझिए, कौन कौन सी फ्री टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं, कौन कौन सी बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी अवेलेबल हैं। भाई लोग कहते हैं कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का क्या पर्पज़ क्या है, उस कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं ताकि हम चीज़ों को अच्छा कर सकें, तेज़ कर सकें, तो वो सर्च करिए। ये इतना आसान नहीं है, आसान होता तो हर कोई बिजनेस करता। टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी, जो इस चक्कर को समझ जाता है, कोई नई चीज़ खोजने की भी बात नहीं है। आप ज़रूरी नहीं कि आप भाई इन्वेंटर हैं, आप थॉमस एडिसन हैं, आप ग्राहम बेल हैं, या आप कोई बड़े रिसर्चर हैं, खैर वो भी आप हो जाएंगे अगर आप सर्च करते रहें तो आप जैसे ही किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजते हैं तो आप वो भी हो जाएंगे। मैं आसपास देखता हूँ इतनी जगहों पे इरिटेटिंग मोमेंट्स हैं। आप चले जाइए कचहरी में, चले जाइए आप हॉस्पिटल में, चले जाइए आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में, चले जाइए आप तमाम जगहों पर जाइए और लोगों को देखिए, तो आप देखेंगे कि कहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज़। और ये ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप एक ही दिन में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। स्टार्ट बिल्डिंग अप योर टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी, कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से आप यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो उसी हिसाब से जब आप इसको टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, तो फिर आप तभी आप सचमुच में एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। बिकॉज दुनिया में जो लोग भी अब पिछले 50-100 सालों से बिजनेस कर पा रहे हैं, वो सब टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा यूज़ कर रहे हैं अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। और एक बड़ी चीज़ है जो मैं चाहता हूँ आप समझें, वो है फाइनेंशियल फ्रीडम। आजकल फाइनेंशियल फ्रीडम नाम का एक वर्ड आ गया है कि हम बहुत जल्दी रिटायर होना चाहते हैं, रिटायर यंग, रिटायर रिच। रिटायर मतलब क्या? कुछ काम नहीं करना, हमारे पास ढेर सारा पैसा है और वर्ल्ड टूर करेंगे, मौज मस्ती करेंगे। ये खाली सपना है, ऐसा होता नहीं है। हम कुछ ना कुछ तो करेंगे, और वो जब करेंगे तो उसके लिए या तो हम पैसा लेंगे या तो नहीं लेंगे। तो ये चीज़ दिमाग से हटा दीजिए कि हम एक ऐसी लाइफ जिएंगे जिसमें हमारे पास बैंक में लाखों करोड़ रुपये रखेंगे और हम आराम से घूमेंगे। आपने अमिताभ बच्चन की कहानी सुनी है? अमिताभ बच्चन ने बहुत पैसे कमा लिए और उसके बाद उन्होंने काफ़ी पैसा अपना और काफ़ी बैंक से पैसा लेकर के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी डाल दी और वो चले गए वर्ल्ड टूर पे काफ़ी टाइम के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल ऐसे लंबे टाइम के लिए गए थे। और जब वो घूम रहे थे तो उनके ऑफिस से कुछ टाइम बाद फ़ोन आया, ये प्रॉपर वीडियो है उनका, वीडियो मैं सर्च करूँगा, अगर मेरे पास है तो नीचे लिंक डाल दूंगा। उन्होंने कहते हैं कि बोला गया भाई बहुत दिक्कत है, आपके EMI नहीं आ रही है, बैंक का लोन नहीं भर रहा है, तो मैं वापस गया था, देखा तो मेरी कंपनी बहुत स्ट्रगल कर रही थी। फिर वापस गया और लोग मेरे सर पे चढ़े रहते थे कि पैसा वापस करो, पैसा वापस करो, पैसा वापस करो। बोलते हैं वो सब के सब लोग जो एक दिन मेरे, मतलब लोग मुझसे साइन करने के लिए, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए बड़े आतुर होते थे, वो सब मेरे ऊपर चिल्लाते थे कि हमारा पैसा वापस करो। और फिर मैंने सबका एक एक पैसा वापस किया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर से काम करूँगा। फिर वो गए
और तब उन्होंने मोहब्बतें की फिल्म ज्वाइन की और फिर से काम शुरू करना किया शुरू किया वो उनका सेकेंड फेज़ था अमिताभ जी का। तो ये जो हम तब से आज तक काम ही कर रहे हैं, वो बहुत अमीर हो गए, आप काम करने की ज़रूरत नहीं है उनको, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, बट आराम भी करते होंगे। तो ये मत दिमाग में रखिएगा कि आप किसी दिन फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, आप मौज मस्ती करेंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। करना पड़ेगा, कुछ काम के लिए आप पैसे लेंगे, कुछ काम के लिए आप पैसे नहीं लेंगे, बट आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो आप देखिए कि आप क्या करने वाले हैं, और जब आप, मैं बोलता हूँ क्या करने वाले हैं, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, ये चीज़ें किसी काम में नहीं आती हैं। बैठ करके गप्पे मारना किसी काम में नहीं आता है। कोई ना कोई एक्टिव वर्क जिसके ज़रिए आपके आसपास के लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, वही चीज़ बिजनेस बनता है। आपके रहने पर भी, आपके दुनिया में से जाने पर भी, समथिंग दैट क्रिएट्स वैल्यू, एंड दैट डजंट हैपन कि आप फाइनेंशियली फ्री हो गए, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वैल्यू नहीं क्रिएट होता। आपके किसी के फ़ोटो को लाइक दबा देने से कोई वैल्यू क्रिएट नहीं हो रहा है, केवल इंस्टाग्राम के जो मालिक हैं उनको एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये फाइनेंशियल फ्रीडम का दिमाग से ये शब्द निकाल दीजिए दिमाग से, तभी आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल होगी। अब आप कहेंगे कि ठीक है, आपके कोर्सेज कर रहे हैं, WBX ज्वाइन कर लिया है, किताबें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन करें क्या? इस पूरे दौरान हम क्या कर सकते हैं जो हमको फीलिंग आए कि हम कुछ कर रहे हैं? बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं, सोचिए थोड़ा सा। जब कोई बड़ा बिजनेस जैसे अमेज़ॉन है, जब आपको बुक्स बेच रहा था, पहली बुक बेचा उसने, या कोई दुकानदार दुकान खोलता है और अपना एक पहला माल बेचता है, और जब आप उस माल को यूज़ करते हैं और आप सेटिस्फाइड होते हैं, और जब वापस उस आदमी के पास जाते हैं तो दोबारा माल खरीदते हैं, तो दोबारा उसी के पास क्यों जाते हैं? दोबारा मैंने अमेज़ॉन से किताबें क्यों खरीदी? दोबारा मिंत्रा से आप शॉपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको भरोसा हो गया है। बार बार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप तभी डील करते हैं जब आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है। ये ट्रस्ट क्या होता है, इसको बिजनेस में बोला जाता है गुडविल, भरोसा। भरोसा बिल्डअप करिए, जी हाँ, सबसे पहले तो कॉन्टैक्ट्स बिल्डअप करिए। बिजनेस में कॉन्टैक्ट्स का बहुत बड़ा रोल है। जितने ज़्यादा लोग आपको जानते हैं, मतलब पर्सनली जानते हैं, जितने ज़्यादा लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है और जितने ज़्यादा लोगों के पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, उतने ही चांसेस बढ़ जाते हैं आपके गुडविल होने के, आपके मार्केट में अच्छा नाम होने का। क्योंकि जब आपके पास लोग जानेंगे तो उसमें ध्यान रखिएगा कि लोग आपके लिए अच्छा जाने, ख़राब ना जाने। आपने किसी से 100 रुपये लिया, अपने दोस्त से लिया, तो उसको जब आपने कहा है कि मैं एक हफ्ते बाद वापस कर दूंगा, तो उसको 6 दिन बाद वापस कर दीजिए। मान लीजिए आप बैंक से लोन लेते हैं, किसी बिजनेस के लिए नहीं, ऐसे ही लोन लेते हैं, 5,000 रुपये लोन ले लिया, और आपने 3 महीने बाद उसको, बैंक को आपको 6 महीने में वापस करना है, उसको आपने 3 महीने में वापस कर दिया थोड़ा इंटरेस्ट के साथ। तो ये आप लोगों के साथ डील करिए, बैंक्स के साथ डील करिए, अपने सप्लायर्स के साथ डील करिए, अपने रिटेलर्स के साथ डील करिए, जिसके साथ भी आप डील करना चाहते हैं करें, बट इस पूरे दौरान आपको क्या बिल्डअप करना है, अपना गुडविल, ताकि जिस दिन आप कोई वेंचर चालू करते हैं तो वो सारे 10,000-15,000-20,000 लोग, जो भी आपको जानते हैं या नहीं जानते हैं, वो सब के सब आपके ऊपर ट्रस्ट करें पूरे दौरान। जैसे नहीं जेल में अगर कोई आदमी कैदी है तो उसको क्या कर सकता है, वैसे कुछ नहीं कर सकता, बट वो अपने मसल्स बिल्डअप कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, खाना खा सकता है। ठीक ऐसे ही जो आदमी बिजनेस चालू नहीं कर सकता, वो बिजनेस की तैयारी कैसे चालू करता है? बाय बिल्डिंग अप बिजनेस मसल्स, और बिजनेस का मसल्स है गुडविल, और सारी गुडविल लोगों से बनती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़ी कंपनी में हैं तो ही आप गुडविल बना सकते हैं, किसी बड़ी कंपनी का गुडविल लोगों से बनता है। आज वॉलमार्ट क्या है? सैम वॉल्टन की वजह से वॉलमार्ट है। आज माइक्रोसॉफ्ट क्या है? बिल गेट्स की वजह से माइक्रोसॉफ्ट है। आज टेस्ला कंपनी के ऊपर भरोसा क्यों करते हैं? बिकॉज हम इलॉन मस्क जैसे आदमी को देखते हैं और उसके ऊपर ढेर सारे लोग पैसा लगा रहे हैं। जेफ बेजोस को देखते हैं तो अमेज़न पे भरोसा आता है। तो उस आदमी से उस कंपनी का गुडविल बनता है। तो आपके पास 1 रुपये ना हो, बट आप धीमे धीमे अपने प्रोमिसज़ को ठीक करिए, दीजिए और उसको पूरा करिए। ऐसे करते करते आपके शहर में जितने भी लोग हैं उनके साथ अपने कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करिए, और यही होती है लॉन्ग टर्म तैयारी। इसी को बोलते हैं वॉर की तैयारी। जैसे मैं कहता हूँ ना, बिजनेस मतलब एक वॉर है, और उसको तैयार करना है तो अपनी सेना बनाइए, और जो लोग भी आपको जानते हैं और जो लोग भी आपके लिए अच्छा चीज़ सोचते हैं वो आपके आपके सेना है। एक तरह से आप बाहुबली हैं तो आपको सेना चाहिए। तो बिजनेस के बाहुबली बनने के लिए आपको ढेर सारे लोगों का ट्रस्ट चाहिए, ढेर सारे लोगों के साथ सामने आपकी गुडविल बनी रहनी चाहिए। बिजनेस मतलब है
वॉर, आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं अभी, बट थोड़ा सा स्टडी करिए, थोड़ा सा गहराई में जाइए. अभी तो आप खाली मोटिवेशनल किताबें पढ़ रहे हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, यू कैन विन, और इस तरह की जो बुक्स हैं, जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको खूब पॉजिटिव फीलिंग आती होगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन ऐसा है नहीं. ये जो दुनिया है ये एक समंदर की तरह है, और यहाँ पर हर छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है. और जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं ना, वो जितनी बड़ी होती है उतनी ताकतवर भी होती हैं. इसलिए तो जेफ बेजोस जैसे लोगों को शार्क कहा जाता है. और शार्क को हराने के लिए आपको शार्क से ज़्यादा समझदार होना पड़ेगा. और लोग समझदार कैसे होते हैं? लोग समझदार होते हैं अपने एक्सपीरियंस से, लोग समझदार होते हैं अपनी नॉलेज से, लोग समझदार होते हैं अपनी शातिरानापन से, और लोग समझदार होते हैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस से. बिज़नेस की दुनिया में अगर आपको घुसना है तो जितने ढेर सारे बिज़नेस के एक्सीडेंट्स हैं उनको खोज खोज के निकाल निकाल के पढ़िए, बिकॉज वो सारे एक्सीडेंट्स आपके साथ बिल्कुल होना पॉसिबल है. समंदर में किस जगह पर कौन सा शार्क आपको खा जाएगा आपको पता नहीं है. अब क्या लगता है आपको, बिल गेट्स को क्यों मोनोपोलिस्ट बोला गया? आपको पता है ना, बिल गेट्स को मोनोपोलिस्ट बोला जा रहा था, उनके ऊपर केस चला था जस्टिस डिपार्टमेंट ने. उसके बाद से उन्होंने अपनी कंपनी का सीईओ की जॉब छोड़ करके वो उन्होंने बिल गेट्स और मिलिंडा फाउंडेशन बनाई थी. क्यों? बिकॉज जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है वैसे वैसे वो लोग ताकत को यूज़ करते हैं अपने से छोटे बिजनेसेस को दबाने के लिए. तो आपको क्या लगता है कि आप बड़े मोटिवेटेड होकर कोई बड़े अच्छी सर्विस लेकर आ रहे हैं और आपका बिज़नेस बहुत तेज़ फ्लरिश करेगा? नहीं भाई साहब, आपका जैसे ही आपके बिज़नेस में थोड़ा पैसा आना शुरू होगा, बगल में एक शार्क खड़ा होगा आपको खाने के लिए. आप देखिए, जब रोड पे जाते हैं और किसी फलदार पेड़ को देखिए, किसी पेड़ पे आम लटका हुआ है, तो आपको मन नहीं करता कि तोड़ के खा लूँ? किसी ने फल बनाया है, पेड़ ने अपना फल बनाकर रखा है तो आपको तोड़ने के लिए बट लालच आता है. ठीक ऐसे ही जैसे ही आपके बिज़नेस में थोड़ा बहुत पैसा आप कमाना शुरू करेंगे, लोग उसको पकड़कर ख़त्म करना चाहेंगे. उस कंडीशन में कौन आपकी मदद करेगा? आपका नॉलेज. और नॉलेज सिंपल नॉलेज नहीं, केवल मोटिवेशनल नॉलेज नहीं, वो बारीकियाँ, वो गहराइयाँ जो पास्ट के मिस्टेक्स को समझ के ही आती है. और जब मुझे वो चीज़ें मिलना शुरू हुई तब मैंने कहा, बॉस ये तो हर बिज़नेस स्कूल में पहुँचना चाहिए. मैंने डिसाइड किया है कि हो ना हो मैं इस नॉलेज को पहले तो आप लोगों को दे रहा हूँ, फिर धीमे धीमे जितने भी बिज़नेस स्कूल्स हो सकते हैं, मैं चाहूँगा कि हर बिज़नेस स्कूल में हर बच्चा इसको समझे. बिकॉज इसके बिना कोई MBA नहीं है. इसके बिना, जैसे ठीक है मेडिकल में आप जाइए, मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उसके बाद निकलते हैं तो आप कम से कम थोड़ा बहुत दवाई देना जानते हैं, मरीजों को समझना जानते हैं. बट MBA के बाद बच्चों की हालत ये नहीं होती. ज़्यादातर बच्चे केवल नौकरियां पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते. तो आप अगर सीरियसली बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी समझनी है आपको, कोर समझना है. और कोर ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं WBX में. जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज इसकी फ़ीस जो है उससे और ज़्यादा बढ़ने वाली है. फ़ीस कुछ नहीं है, इसकी वैल्यू आज की डेट में अगर आप जो भी पे करते हैं, आप देखेंगे जब आप कमाना शुरू करेंगे आप बोलेंगे, बॉस ये तो मैंने लूट लिया. बिकॉज जितना आप यहाँ देंगे उसका 100 गुना ज़्यादा आपको उसका फ़ायदा मिलेगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स के बचत में और आपके फ्यूचर के बिजनेसेस में. तो अपना खुद का बिजनेस का इंश्योरेंस खरीद रहे हैं अगर आप WBX ज्वाइन करते हैं. और अगर ये वीडियो आपके को यूज़फुल लगता है तो अपने डैडी को या अपने गार्जियंस को, जो लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हैं. आपका कोई फ्रेंड है जो बिज़नेस करना चाहता है उसको शेयर करें. जहाँ जहाँ पर जिस ग्रुप में भी आपको लगता है वहाँ जा करके इसको शेयर करिए. और इस तरह की नॉलेज को, चूँकि रियल नॉलेज है, मोटिवेशनल बातें नहीं, खाली ऊपर ऊपर की बातें नहीं, ये तो एकदम अंदर की बातें हैं, इसको शेयर करिए ताकि लोगों का फ़ायदा हो. अच्छी चीज़ें शेयर करना चाहिए ना. और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब तो कर लीजिए, काफ़ी टाइम हो गया, आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए. और हाँ, बेल बटन अगर नहीं दबाते हैं तो आपको ये वीडियोस मिलेंगे नहीं. और हमारा एक टेलीग्राम पर भी एक चैनल है, टेलीग्राम पे अगर आप डीप नॉलेज डालते हैं तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए. बिकॉज हमारे जो वीडियोज़ यहाँ डालते हैं वो टेलीग्राम पर भी आता है, तो टेलीग्राम पर आपको हमारे वीडियोज़ मिल जाएंगे रोज़. हो सकता है यूट्यूब पर ना मिले आपको, तो टेलीग्राम पर ज़रूर मिल जाएगा, तो वो भी ज्वाइन कर लीजिए आप. थैंक यू सो मच. बहुत से लोग सोचते हैं कि बिज़नेस मतलब सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना, या मोटिवेटेड होना, या केस स्टडी पढ़ना, या प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी बट बिज़नेस इन सब के बियॉन्ड कोई, चाहे छोटा बिज़नेस हो चाहे बड़ा बिज़नेस हो, उसका एक बैकबोन है. जब तक वो बैकबोन नहीं पता तब तक आप बिज़नेस नहीं कर सकते.
उस बैकबोन को अगर सीखना है तो WBX को ज्वाइन करके आज ही सीखना शुरू कर दीजिए। उसके पहले एक भी रुपए मार्केट में लगाइए मत, बहुत बड़ा खतरा है। और जैसे ही WBX आप कर चुके रहेंगे, आप देखेंगे अचानक से आपका पैसा सेफ हो गया। आपका एक रुपए भी अगर मार्केट में जाएगा WBX के बाद, आप देखेंगे वो 100 रुपए के बराबर काम करेगा। और उसके पहले बड़ा रिस्की मामला है, WBS के बिना बिजनेस मत करिए। चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस की लाइफ हो, चाहे फैमिली की रिलेशनशिप हो, चाहे कहीं पर भी हो, हमको पता ही नहीं चलता कि हमारे डिसीजंस कौन ले रहा है। और जब हमको नहीं मालूम होता तो यूजुअली वो गलत डिसीजंस होते हैं और वो ब्लंडर्स क्रिएट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक्सीडेंट्स ना हो, तो उसके लिए BDM ज्वाइन करके अपने डिसीजन मेकिंग को शार्पन करिए, उसका धार बढ़ाइए। अदरवाइज दुनिया में जितने भी लोग गलतियां कर रहे हैं, वो गलतियां आप भी करेंगे। BDM ज्वाइन करके अपने डिसीजंस को मेक इट परफेक्ट डिसीजन। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी को सिखा सकता है तो वो आपका अपना खुद का गुरु है जो आपके अंदर में वास करता है। आपका स्पिरिचुअल गुरु आपके अंदर है, आपकी आत्मा है। तो ये जनोगा बेसिक कोर्स में हम क्या सिखाते हैं, आपको पूरा विज्ञान सिखाते हैं कि कैसे आप अपने गुरु से कांटेक्ट ला सकते हैं, अपने खुद के, ये बाहर कोई आपका गुरु नहीं है, या आप अपने गुरु को खुद कांटेक्ट करते हैं। इस कोर्स के जरिए सारा का सारा स्पिरिचुअल साइंस का थियोरी और प्रैक्टिकल आप खुद सीखते हैं। हम यहाँ पर केवल आपको हेल्प करते हैं अपने आप को जानने के लिए, अपने गुरु को कॉन्टैक्ट करने के लिए जनोगा बेसिक कोर्स के जरिए, और उसी चीज़ को और गहराई में ले जाने के लिए यू आर मोस्ट इन्वाइटेड टू ज्वाइन जनोगा एडवांस कोर्स। थैंक यू।